क्या आप करना चाहते हैं लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, तो दोस्तों ये छोटी सी मशीन जो आप यहाँ पे देख दोस्तों, इससे आप लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो मशीन है दोस्तों आप देख रहे हो, इसका ज्यादा एरिया बड़ा भी नहीं है, कहीं पे भी आप नॉर्मली ऐसे रख सकते हो और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल छोटा सा एरिया है और उस एरिया में आप बिजनेस करना चाहते हो, वो भी लो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल बिजनेस, दोस्तों सिर्फ एक छोटी सी मशीन से आप अपना दोस्तों 20,000 से 25,000 रुपए कमा सकते हो, वो भी एक महीने के अंदर। तो बात करें इस मशीन से बनने प्रोडक्ट की, तो दोस्तों इस मशीन की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। और दोस्तों इससे जो प्रोडक्ट बनता है, जो आप रॉ मटेरियल यहाँ पे मेरे हाथ में कुछ देख पा रहे हैं, तो जैसे कि ये शीट आप देख रहे हो, जैसे कि ये वुड का आप देख रहे हो, यहाँ पे शीट हो गई दोस्तों, ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड है। चाहे मोबाइल शॉप्स हो, जो मोबाइल की एक्सेसरीज की शॉप होती है, चाहे वो रिपेयरिंग शॉप होती है दोस्तों, और जो गिफ्टिंग के आइटम्स होते हैं वो भी आप इससे दोस्तों बना सकते हो। और दोस्तों आपको पता है कि गिफ्टिंग के आइटम की कितनी ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। और दोस्तों बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, दोस्तों दोनों ही मशीन को मिलाकर दोस्तों आप आराम से 50,000 से 60,000 रुपए कमा सकते हो एक महीने के अंदर। और दोस्तों जो कॉस्टिंग आती है आपको किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो गिफ्टिंग प्रोडक्ट हो, चाहे जो शीट आप देख रहे हो इससे हो, मात्र आपको दोस्तों 20 से 30 रुपए की कॉस्टिंग आती है, और उसे आप दोस्तों सेल कर सकते हो दुगने तिगने मार्जिन में दोस्तों, आराम से 150 से 200 रुपए में उसको सेल कर सकते, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बिजनेस वुमन अंजलि में। तो दोस्तों फिर से मैं दोस्तों आपके लेके आऊंगी लघु उद्योग। दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लेजर प्रिंटिंग मशीन है जिससे आप डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आराम से आप 30,000 से 40,000 आप महीने का कमा लोगे दोस्तों इस मशीन से। और दोस्तों सिर्फ एक मशीन है दोस्तों, आप कई तरह के काम कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या आप काम कर सकते हो और कैसे आप 30,000 से 40,000 इन मशीनों से अर्न कर सकते हो, बिजनेस कैसे करेंगे, सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग बिजनेस है अब के टाइम में। तो मेरे साथ हैं आज सर, जो कि आपको बताएंगे इस बिजनेस के बारे में, तो थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए। हमारी कंपनी का नाम एम्बिशन गिफ्ट्स है, आज से 13 साल पहले ये एस्टेब्लिश हुई थी और हम झंडे वाला न्यू दिल्ली से ऑपरेट करते हैं। हमारे पास जितनी भी मशीनें हैं ये सारी कमर्शियल ग्रेड की मशीनें हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारी मशीन है जिसमें आप मोबाइल लैमिनेशन का काम कर सकते हैं। हमारे पास लेज़र मशीन्स हैं जिसमें आप फ़ोन के टेम्पर ग्लास कटिंग का या 9-inch ग्लास कटिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप की प्रिंटिंग करनी हो तो हमारे पास UV मशीन्स भी होती हैं जो कमर्शियल हैं। अगेन इसके बाद कमर्शियल यूज़ के लिए बल्क प्रोडक्शन में लेज़र मशीन्स होती हैं जो वुड और एक्रेलिक के काम आती हैं, ये भी मशीन आपको हमारे पास मिलेगी। छोटे से छोटा व्यापार भी करना हो तो हमारे पास हीट प्रेस मशीन्स होती हैं जिससे आप कस्टमाइज प्रिंटिंग कर सकते हैं टी शर्ट्स की या फिर दूसरे गिफ्ट आइटम्स की, जिसमें कस्टमाइज प्रिंटिंग होती है। कॉफी मग्स एक एग्जांपल है। और इन सब चीज़ों के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रिंटिंग की सारी मशीन्स अवेलेबल मिलेंगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो कमर्शियल हो। दोस्तों हर तरह का बिजनेस आप यहाँ से लेके स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए और डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रील्स वगैरह पोस्ट करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों मेरे वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ और देखते हैं कि क्या मशीन होने वाली है, बिजनेस कैसे करना है। और दोस्तों मशीन का फुल डेमो भी दिखाने वाले, इस लेजर मशीन का और स्किन कटिंग मशीन का आपको पूरा डेमो भी दिखाएंगे, बिजनेस कैसे करना है, प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है और बाकी अगर आपको सेल कहाँ करना है ये भी आपको बताएंगे। तो आइए। हेलो एंड वेलकम बैक टू AR डिजाइन न्यू दिल्ली। आज हम आपको 9-inch टेम्पर ग्लास कट करने की मशीन के बारे में बताएंगे, ये मशीन कैसे वर्क करती है और इससे आप क्या क्या आइटम्स हैं जिनको बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इस मशीन में आप जो टेम्पर ग्लास, जो इसका बेसिक वर्क है, उसे कैसे कर सकते हैं, कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी मेड इन चाइना मशीन है जो स्पेशली हमारे लिए बनाई जाती है ARC साइन की ब्रांडिंग से। टेम्पर ग्लास कट करने के लिए आपको इसका एक एंड्रॉयड वर्जन का सॉफ्टवेयर परचेज करना होता है जो मेड इन इंडिया और हमारे ही कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये एक एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल किया जाता है और मशीन के साथ ये वाया ब्लूटूथ काम करता है। तो अब मैं आपको इसकी ऑपरेटिंग के बारे में बताऊंगा। हमारे हाथ में ये एक फ़ोन है, ये Realme का 7 Pro है। हम आपको इसका टेम्पर ग्लास कट करके और अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे मशीन से कट होता है, सॉफ्टवेयर से कैसे उसकी कमांड दी जाती है एंड देन फ़ोन में उसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन है ARC साइन की। तो ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि फ़ोन, टैबलेट्स, स्मोक केसेस, 9-inch ग्लास और बहुत सारे और भी इसमें टेम्पलेट्स हैं जो कि लेज़र के अलावा और भी कुछ मशीनें जिनमें वर्क करती है, तो उसके लिए हमने ये सारी टेम्पलेट्स रखी है। हम इस वक्त लेज़र मशीन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो सिर्फ 9S क्लास के जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास Realme 7 Pro का मॉडल है जिसका हम टेम्पर ग्लास कट करने वाले हैं, तो Realme के ऑप्शन में हम जाते हैं। यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन भी है तो जल्दी फाइंड करने के लिए आप सर्च कर सकते हो Realme 7 Pro। तो कीवर्ड सर्च करेंगे 7 Pro, आपको ये 7 Pro का टेम्पलेट्स आपके सामने दिख रहा है,
अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली एक सिंगल कमांड देनी है और ये मशीन से टेम्पर कटने शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारी मशीन ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं है, तो हमने पहले ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लिया, ग्रीन हो गया मतलब ये कनेक्टेड है। अब सीधा सीधा हमने कट की कमांड देनी है और मशीन में मूवमेंट आप देख सकते हैं, बहुत कनेक्ट हो जाता है एकदम। तो अब आप देख रहे हो लेज़र मशीन ने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ये 9H प्लस या 9H नैनो ग्लास बहुत नाम से फेमस है इंडिया में, नॉर्मली इसको नैनो ग्लास ही बोला जाता है। प्लास्टिक TPU की शीट होती है और ये कट होती है विद इन 2-3 सेकेंड्स, आप कह सकते हो 10 सेकेंड्स मैक्सिमम इसमें लगते हैं कट करने में। अभी आप देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स इसका टेम्पलेट पूरा कट हो चुका है, बस इसे हमने निकालना है और इसको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। 9H का ग्लास कट किया था, ये शीट इसके ऊपर हमने पेस्ट कर दी है और आप देख सकते हैं जो हमने इस पर लगाया है, इसमें कॉस्टिंग कितनी आती है बनाने की और प्रॉफिट मार्जिन क्या बचता होगा इस स्क्रीन प्रोटेक्टर पे? देखिए प्रॉफिट मार्जिन टोटली डिपेंड करती है आपके रॉ मटेरियल के कॉस्ट के ऊपर में, जितना सस्ता आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा उतने ही सस्ती आपकी एंड प्रोडक्ट बनेगी। एक रफ आइडिया लीजिए कि अगर आपने 9H की शीट A4 साइज़ जो कि 8 इंच बाय 12 इंच की होती है वो आपने 30 रुपीज़ की ली है, एक A4 की शीट में आप 3 टेम्पर ग्लास की कटिंग कर सकते हैं, तो आपके एक टेम्पर ग्लास का कॉस्ट 10 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली निकलता है। जितने की भी शीट हुई डिवाइडेड बाई 3 करिए वो आपका एक्चुअल कॉस्ट होता है। मशीन के मेंटेनेंस में पर टेम्पर आप 2 से 3 रुपये ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे कंपोनेंट का कंजम्पशन नहीं है। और ये सेल कितने में होता होगा बाहर? 50 से 70 रुपीज़ के बीच में, डिपेंड करता है किस लोकेशन में आपकी शॉप है, 50 से 70 रुपीज़ की रेंज में ये सेल हो जाता है। अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। ये डिपेंड करता है इसमें आर्टिकल जो आप ये देख रहे हो रॉ मटेरियल, इसमें क्वालिटीज आती है, आप अगर थोड़ी महंगी क्वालिटी का 9H ले रहे हैं तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो और भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें स्क्रैचलेस भी आते हैं, ब्लू रे भी आती है और बहुत सारी वैरायटी आती है, हर वैरायटी की अपनी अपनी खासियत है। स्क्रैचलेस में स्क्रैच नहीं पड़ता, इस मटेरियल में स्क्रैच पड़ता है। तो जो भी मटेरियल होगा वो जितने भी वैल्यू का वो है A4 शीट का डिवाइडेड बाय 3 करिए, आपकी एक शीट का कॉस्ट निकलता है, प्लस 5 रुपीज़ निकाल लीजिए आप उसमें, तो आपका वो एक्चुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट आ गया। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप 9H की बेस्ट क्वालिटी का भी शीट लेते हो तो आप उसको 200 तक की सेल कर सकते हैं, उसमें आपका कॉस्ट 50 से 70 रुपीज़ का आएगा, तो बहुत हेल्दी मार्जिन है इसमें। मैं आपको जो दूसरे सॉफ्टवेयर विंडोज़ वर्जन सॉफ्टवेयर जिससे आप अक्रैलिक के गिफ्ट आइटम्स या वुडन के गिफ्ट आइटम बना सकते हैं उनकी एक छोटी सी डेमो दूंगा। ये हमारा विंडो वर्जन का सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो इस वक्त आर्टवर्क रेडी है उसे हम डेमो करके आपको अभी दिखाएंगे मशीन पे। ये विंडो वर्जन है, वायर डेटा केबल वर्क करती है। अब आप देखिए जैसे ही हमारे ऑपरेटर ने इसे कमांड दी है कट या फिर एनग्रेव करने की, मशीन एक्शन में आती है और थोड़ी ही देर में ये रेडी हो जाएगा। क्या बना रहे इसमें अभी हम? इसमें इस वक्त हम स्टैंड बना रहे हैं, फ़ोन का स्टैंड होता है, चार्जिंग में या विदाउट चार्जिंग आप फ़ोन को स्टैंड करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बोर्ड के ऊपर बना रहे हैं ना? ये MDF बोर्ड है। तो बेसिकली इससे हम किस किस चीज़ों पे एनग्रेव कर सकते हैं? देखिए अगर मैं रिवाइज करूँ तो आप वुड और अक्रेलिक के ऊपर में एनग्रेव कर सकते हैं। ये मशीन 3 से 5 mm तक का वुड और 3 से 5 mm तक की अक्रेलिक के ऊपर कटिंग और एनग्रेविंग करने के कैपेबल है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये हमारा जॉब वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ये वो स्टेंसिल कह सकते हैं या जो भी आप कहना चाहें, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। इसे जोड़ना पड़ता है, बस इसे ऐसे क्लिप करना है। अब ये तो डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, वो कैसे फिक्स होगा, कैसे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, बट इसका सिंपल वे है आपने ये क्लिप कर लिया, बस ये हमारा फाइनल ये स्टैंड बन गया। आप इसमें अपना फ़ोन रख सकते हो, ये जो कट आप देख रहे हैं इस टाइप से बना के आप इसमें चार्जिंग भी कर सकते हैं, ये हमारा फोन है। ऐसे तुम बहुत सारे आइटम बना के बेच सकते हैं इस तरीके से, बहुत सारे आइटम्स हैं, इनका आइडिया आप इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं से भी लीजिए और वो सारे आइटम इसी मशीन से बनते हैं, जो हमारा विंडो वर्जन सॉफ्टवेयर है उसी से बनेगा। और इसको बनाने में पूरी कितनी कॉस्टिंग आई हमें? देखिए मटेरियल जहाँ से भी आप ले रहे हो उसके कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जब भी आपको मटेरियल मिलता है ना तो वो आपको स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलता है, तो आपको अपनी कैलकुलेशन करनी होती है, बट एक रफ आइडिया मैं आपको देता हूँ। बहुत होगा तो इस मटेरियल के ऊपर आपका 30 से 40 रुपीज़ का कॉस्ट आता है और आप इसे 150, 200,
डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में कर रहे हो, बहुत आराम से 150 200 के बीच में आप इसको सेल कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, पहले हमने वुड की कटिंग या एमडीएफ बोर्ड कट करके एक फोन का स्टैंड बनाया था, बिल्कुल वैसे ही आप ये एक्रेलिक शीट की कटिंग कर सकते हैं। इसकी थिकनेस 5 mm है, जो इस मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी है, इसे एक्रेलिक कहते हैं। अब मैं इससे आपको कीचेन कट करके दिखाऊंगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ये हमने रख दिया, अब सॉफ्टवेयर से हम जब से कमांड देते हैं ये किचन की कटिंग करना स्टार्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं हमारा ये जॉब वर्क कंप्लीट हो चुका है, ये हमारी किचन बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग कर लेंगे और किचन के लिए जो रिंग आती है वो हम इसमें लगाएंगे और ये किचन रेडी हो जाएगी, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ रिंग लगा के। अरे वाह, ये कितने में बनी होगी इसमें सर? ये आपकी कॉस्टिंग 5-10 रुपीस की कॉस्टिंग आएगी। अब ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल इंग्रेव किया हुआ है, अगर आप फोकस कर सकते हो, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये बिल्कुल इंग्रेव किया हुआ सरफेस है, आप साइड्स की फिनिशिंग देख सकते हो, पूरा ये शीशे कटा है ना, कटिंग भी हुई है और एंग्रेविंग एंड कटिंग दोनों ही काम है हमारे लेजर मशीन का। तो अब ये किचन रेडी है, मैं आपको इसमें रिंग लगा के दिखाता हूँ। तो अब मैं जो आपको दूसरी मशीन दिखाने जा रहा हूँ, ये मशीन हमारी उसी मोबाइल सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होती है जिसे यूज़ करके हमने पहले एक टेम्पर ग्लास की कटिंग की थी। उसी सॉफ्टवेयर में फ़ोन के बैक साइड में जो लेमिनेशन, जिसे फ़ोन स्किन्स या लेमिनेशन भी कहते हैं, उसकी कटिंग की जाती है। बट उसके लिए हम लेज़र मशीन यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए जो मशीन यूज़ होगी उसे प्लॉटर्स कहा जाता है। प्लॉटर में एक निडल लगी होती है जो इस तरीके के विनाइल मटेरियल को कट करता है। ये हमने ऑलरेडी एक मटेरियल लोड किया हुआ है, लोडिंग की प्रोसेस आप देख सकते हैं। और जो फ़ोन का बैक स्किन हमने कट करना है उसका डिज़ाइन ऑलरेडी हमारे इसी सॉफ्टवेयर में है जिससे हमने 9H की कटिंग की थी। अब जब हम कट की कमांड इसे देंगे तो जैसे लेज़र वर्क करती है वैसे प्लॉटर भी वर्क करेगा और इसकी बैक स्किन की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट हो गया ना ये? कितना टाइम लगेगा इसको कट करने में? इसे कट करने में अप्रोक्सीमेट 15-20 सेकंड्स के बीच का टाइम लगता है। अभी मोबाइल का बैक कट कर रहा है, ये ओनली मोबाइल का बैक कट करता है। और इसमें हम क्या क्या कट कर सकते हैं? इसके अलावा इसी मशीन में एक और सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है जिसका नाम है सिलहोते स्टूडियो। सिलहोते स्टूडियो से आप स्टिकर्स, किसी भी टाइप के स्टिकर्स हों, लेबल्स हों, टी शर्ट के ऊपर जो विनाइल की कटिंग होती है वो भी इससे कर सकते हैं। कट गया ना ये? तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा स्टिकर बिल्कुल कट के रेडी है, जितनी भी वेस्टेज थी वो हमने हटा दी है। अब मैं आपको इसको फ़ोन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब ये स्टिकर इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया, इसके आप फिनिशिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल और हाई मार्जिन का प्रोडक्ट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की स्किन है जिसका प्राइस 55 रुपीज़ है, और जो क्वालिटी आप देख रहे हो यहाँ पे इसका सेल प्राइस 200 रुपीज़ होगा, यानी कि 3 times आपको प्रॉफिट मार्जिन इसमें मिलेगी। 200 रुपीज़ में इसको सेल कर सकते हैं, ये नॉर्मल प्राइस है। अच्छा। अगर आप कोई चीप क्वालिटी की स्किन भी खरीदते हो किसी भी मार्केट से तो वो अगर 50 रुपीज़ की है तो 200 में बिकती है, अगर आप 20 रुपीज़ की ले रहे हो तो वो 150-200 तक में भी बिक जाती है। ऐसी भी स्किन्स आती हैं मार्केट में। ठीक है, तो 3-4 times आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा इसमें। तो ये तो आपने इस पर्टिकुलर इसका बता दिया। बाकी अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो दोनों हम मशीनें हमने यहाँ पे देखी, उससे हम ऑन एन एवरेज कितना कोई कमा सकता है एक दिन में या एक महीने में? देखिए मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता हूँ, आपके पास मोबाइल स्किन का सॉफ्टवेयर है और आपके पास लेजर मशीन भी है और आपके पास प्लॉटर भी है, तो एक अप्रोक्सीमेट 50-60,000 की प्रॉफिट आपको होगी, नेट प्रॉफिट। अच्छा। अगर आप इनमें से कोई एक मशीन ले रहे हैं, जैसे लेट्स से एग्जांपल के लिए आपने सॉफ्टवेयर के साथ सिर्फ टेम्पर ग्लास वाली मशीन ली है लेजर मशीन, तो एक एवरेज से 35-40,000 के बीच में आपको प्रॉफिट होगी। आप दोनों मशीन एक साथ लेंगे तो ये 60-70,000 भी जाती है। आप सिर्फ प्लॉटर ले लीजिए, 20-30,000 की नेट प्रॉफिट आपको होगी। और वो ऐसे होती है कि एक स्किन अगर आप 20 रुपीज़ की ले रहे हो तो आप उसको 100 रुपीज़ का अप्लाई करके दे रहे हो तो 80 रुपीज़ की आपको मार्जिन है। अगर आप एक एवरेज से 10 स्किन्स भी एवरी डे अप्लाई कर रहे हो तो आप देखो कि आपको 80 रुपीज़ के हिसाब से 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया एक दिन में, तो 30 working days में 20-25,000 तक जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको हमें सेल कैसे करना चाहिए? बेसिकली ये तो एक रिटेल काम ही बंदा स्टार्ट कर सकता है या इसमें होलसेल भी कर सकते हैं? देखिए अगर आप जो भी
हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपकी मोबाइल से रिलेटेड किसी भी तरह की शॉप है, जैसे कि आपके मोबाइल के रिपेयर की शॉप है, या फिर आपके पास सेकेंड हैंड मोबाइल आप सेल करते हो, या फिर आप नए मोबाइल सेल करते हैं, आप लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो जो भी इन डिवाइसेस से रिलेटेड बिजनेस है वहाँ पर आप ये मशीन लगा सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयर का काम कर रहे हैं तो हमारी सबसे अफोर्डेबल मशीन जिससे हमने ये स्किन की कटिंग करी है ये 23,000 प्लस GST की है। अच्छा। इसे आप लगाइए और जो भी फ़ोन आप रिपेयर करते हैं उसमें स्किन्स लगा के अच्छी खासी मार्जिन ले सकते हैं। अगर आपके पास में लैपटॉप रिपेयरिंग का काम है तो आप हमारी बड़े साइज की मशीन्स आती हैं उनमें यही सॉफ्टवेयर यूज़ करके लैपटॉप की रैपिंग भी कर सकते हैं, और लैपटॉप की रैपिंग की कॉस्ट अगर 200 आ रही है तो 1,000 में सेल होती है। अच्छा। तो उसमें 800 रुपीज़ तक की मार्जिन है। क्या बात है, ठीक है। और जो ये हमारी ये मशीन है, इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो तो ऑलरेडी बहुत डिमांड में है, तो उससे भी हम होलसेल कर सकते हैं शायद। अगर आपकी एक्सेसरीज की शॉप है, लेट्स से जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, तो अगर मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है तो जिनकी भी एक्सेसरीज की शॉप होती है उनके पास टेम्पर ग्लास ज़रूर होते हैं। ये टेम्पर ग्लास यूजुअली बल्क में 30-40 रुपीज़ के आते हैं और रिटेल में 80-90 रुपीज़ में सेल होता है, डिपेंड करता है क्या क्वालिटी है। वही चीज़ आप यहाँ पे 30 रुपीज़ में कट कर सकते हैं। बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको मॉडल वाइज स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, आप रॉ मटेरियल लाइए, कस्टमर ने जो भी आपको जो भी फ़ोन दिया, जैसे ये हमारा रियलमी 7 प्रो है, तो अगर कस्टमर ने अगर रियलमी 7 प्रो बोला तो हमने मॉडल सेलेक्ट किया और कट कर दिया, आपको रियलमी 7 प्रो के टेम्पलेट्स को बल्क में खरीद के स्टॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। होलसेल में करना हो तो होलसेल में आप इसके टेम्पलेट्स टेम्पर ग्लासेस कट कर करके आप स्टॉक करिए और रिटेलर्स को जाके होलसेल में भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। और बात करें जैसे सर इन मशीनों की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि थोड़ा सा न्यू कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा तो उसको नॉलेज भी तो चाहिए। ट्रेनिंग हमारे यहाँ दो तरीके से होती है। अगर आप एक वॉक इन कस्टमर हैं जो हमारे किसी भी तरीके से हमारे कॉन्टैक्ट्स आपको मिले और आप वर्किंग डेज में हमारे पास आते हो, तो पहले हम मशीन की डेमो कराते हैं, सेल के बाद यहाँ पर ही आपकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। इसके बाद भी मशीन इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपको फिर भी ट्रेनिंग चाहिए तो वीडियो कॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर साउथ का कोई कस्टमर है, नॉर्थ ईस्ट का कस्टमर है एग्जांपल के लिए, और वो नहीं आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन से मशीन डिलीवर होगी, इंस्टॉलेशन के बाद वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग की बात हो गई। सर लास्टली एक क्वेश्चन आपसे कि अब इस मशीन का प्राइस क्या है, आपने इसका तो बता दिया, इस वाली मशीन का प्राइस क्या रहता है? मैं आपको प्राइसिंग क्लियर करता हूँ। ये मशीन एंड्रॉइड ऐप से चलती है, जो आपने हमारी वीडियो में भी देखी, ये सिर्फ 47,000 रुपीज़ की मशीन प्लस सॉफ्टवेयर। ठीक है। और अगर आप ये छोटी वाली मशीन हमारी देखेंगे तो ये मशीन इंक्लूडिंग एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ 23,000 में मिल जाएगी। रॉ मटेरियल में मार्केट से लेना, रॉ मटेरियल आप मार्केट से हमसे भी परचेस कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ये रॉ मटेरियल वैसे इसी का है ना? ये हमारा डिस्प्ले है, इस तरीके के रोल्स आते हैं बड़े गैजेट्स के लिए। और अगर आपको फोन के लिए स्किन चाहिए तो इस साइज में फोन के लिए स्किन्स आती हैं, इसकी भी बहुत लंबी रेंज आती है, हमारे पास भी है मार्केट में, और भी रेंज आपको मिल जाएगी। कुछ आइडिया प्राइस का, रॉ मटेरियल का क्या? 5 रुपीज से लेके 100 रुपीज पर फोन का स्किन इस साइज में मिलता है, और बहुत ज्यादा में भी सेल होता है फिर तो। ये मार्जिन बहुत अच्छी है, तो कम ही मिलता है। मैंने आपको बताया कि अगर 5 रुपए की स्किन है तो वो 100 रुपीज की सेल होती है, और बहुत इंटीरियर एरिया होगा जैसे रूरल एरिया है आपका, तो भी आप उसको 50 रुपीज में भी सेल करो तो 45 रुपीज की मार्जिन है। ठीक है, होप्स आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और दोस्तों अधिक अगर आपको कांटेक्ट करना है कंपनी से तो यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएंगे और विद एड्रेस आपको मिल जाएगा, तो आप चाहो तो विजिट कर लो या डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो मशीन खरीदने के लिए, और जो भी रॉ मटेरियल की जानकारी चाहिए या जो भी अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ नॉलेज चाहिए, तो आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनके नंबर्स पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर से मिलूंगी मैं इंजिया, तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहना, और आप मुझे अधिक जानकारी के लिए डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करके जाना। बाय बाय।